नाम अनीता देवी है और मेरा शिक्षा पटना से हुआ है, मगध महिला कॉलेज से, और साइकोलॉजी मेरा ऑनर्स है और खलसापुर के रहने वाली हैं। किस पंचायत से आपने उम्मीदवारी? आकोड़ा पंचायत से। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा ये है कि पंचायत में बहुत से ऐसे काम बाकी है जो पूरा हम करना चाहते हैं। किस तरह का काम बाकी है? किस तरह का, जैसे नल का जो योजना चल रहा था कि हर घर में नल का पानी जाना चाहिए, वो बंद है, 3 साल से बंद है। नल तो लगा लेकिन उसमें पानी नहीं है, ये समस्या है गरीब के लिए। अभी देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। हाँ, आपके पंचायत में भी काफी ऐसे युवा होंगे जो बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार देने के लिए आप अपने स्तर पर क्या करेंगे अगर आप जीत जाती हैं? तो हम अपने स्तर पर जीत जाते हैं तो उनको काम देने के लिए, जैसे मनरेगा से काम है वो काम भी हम दे सकते हैं। जो शिक्षित है उनके लिए तो अलग काम है, जो मैंने अशिक्षित है उन काम पढ़े लिखे वाला काम नहीं कर सकते, उनके लिए है मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब हम दे सकते हैं। अच्छा, आप उच्च शिक्षित हैं और आपने एक रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से शिक्षा भी ग्रहण किया है, तो आप राजनीति में आने के अलावा आप सिविल सर्विस में भी जाके समाज सेवा कर सकती थी, तो मेरा तो राजनीति में क्यों? राजनीति में हम इसलिए आए कि मेरे गांव में बहुत से ऐसे काम बाकी हैं जो हुआ ही नहीं है, तो मेरा राजनीति में आने का सबसे पहले मुद्दा यही था कि हम पंचायत चुनाव लड़ेंगे तो वो काम पूरा करेंगे, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अच्छा, एक और बात बताइए, हमारा जो समाज है सदियों से पुरुष प्रधान रहा है और इसमें जो समाज में या घर में भी कहें तो पुरुषों का वर्चस्व रहता है, औरतें कहीं ना कहीं दबी कुचली रहती हैं, अपने हक के लिए खुल के बाहर नहीं आ पाती, तो औरतों के लिए आप क्या करेंगे ताकि वो खुद पूरे ढंग से? इसीलिए हम समाज में निकले कि हर औरत को हम जागरूक करेंगे कि अपने लड़ाई के लिए खुद लड़िए। अच्छा। मर्द का ही भरोसा मत कीजिए, आप लोग साथ दीजिए, जो औरत निकली उसका भी साथ दीजिए। ऐसा कहने के लिए तो सभी ऐसा कहते हैं लेकिन ये सब कहने की बात है, लेकिन क्या धरातल पर जो आप बातें कर रही हैं यहाँ पे, क्या धरातल पे पूरी तरह उतर पाएंगे? हाँ बिल्कुल उतर पाएंगे, औरत लोग बहुत जागरूक हो रही है मेरे बात से। ठीक है, प्रथा है जो कि पुरुष प्रधान न पति प्रधान, सॉरी पति प्रधान प्रथा जो चली है, पत्नियां प्रधानी पद जीत जाती हैं और उनके जगह पर उनके पति काम करते हैं, तो अगर आप भी जीत जाती हैं तो क्या आपके पति काम करेंगे? आपको एक बार और भी हम कहते हैं कि नहीं, हम खुद सक्षम हैं उस काम के लिए। हाँ, जहाँ हमको समझ नहीं है तो अपने हस्बैंड का सहायता हम ले सकते हैं। अच्छा, वो चीज़ नहीं है। आपको सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया, आप डबल आरक्षण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो आपका जो पंचायत सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और दूसरा महिला, और दोनों लोग कमजोर वर्ग है, तो दोनों लोगों के लिए आपको मुखिया पद के लिए सरकार आपको आरक्षण दिया है, अगर आप मुखिया चुनी जाती हैं तो दोनों कमजोर तबकों के लिए कैसे उनको पटरी पर लाएंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति समाज के लोग भी समाज में कमजोर पे हैं और महिलाएं भी कमजोर हैं, तो इस दोनों को कैसे आप उनको मतलब? हम अपने तरीके से हर गरीब भाई और बहनों को मदद करेंगे, जहाँ तक हम सक्षम होंगे उनको मदद करेंगे, जो गवर्नमेंट से हमको सुविधा मिलेगी वो उन तक पहुँचाएंगे। कैसे आप जाति विशेष गरीब भाई बहनों को मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल, उन्हीं के लिए हम निकले हैं। विशेष है कि जो हर समुदाय? नहीं नहीं, सब जाति को, मेरे लिए जाति धर्म कुछ नहीं, हम मानवता धर्म जानते हैं बस। दिख रहा है जनता भी बहुत ज्यादा भिन्न है आपके साथ, हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी अलग अलग पंचायतों में जो भीड़ जुटा रहे हैं, लोगों को पैसे का लालच देकर के या फिर लोगों को पैसे देकर जुटा रहे हैं, आपकी जो भीड़ है किराए की भीड़ है? नहीं नहीं, किराए की भीड़ नहीं, ये दिल से सपोर्ट कर रहे हैं हमको, ये मेरे शिक्षा पर, मेरे विचार पर सारे लोग दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा और दारू और जो चीज होते हैं उस चीज पे बिकने वाले हमारे वोटर नहीं, और वोटर से अपील करते हैं कि इसी तरह का आप लोग समर्थन हमको देते रहिए। समर्थन मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, किसी लालच के प्रति नहीं है मेरे वोटर। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है और कितना कड़ा मुकाबला है? अभी तो हम 99% पे चल रहे हैं, मुकाबला भी है? हाँ बिल्कुल मुकाबला है। किससे मुकाबला? अब नाम हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा, अपील क्या करेंगे जनता से? जनता से बस यही अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी जनता भटक रही है हमारा साथ दीजिए, ठीक है, हमको उस लायक बनाइए कि आप लोग की गरीबी में हम साथ दें। हम लोग का शिक्षित बनाना है। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 को और हमारी फेसबुक पेज आवाज 85 को लाइक एंड फॉलो करें। यदि आप इस न्यूज को हमारे यूट्यूब चैनल आवाज 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो लाइक फॉलो एंड शेयर करें।